हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज से हम मेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है, हमारा जो फोकस रहेगा आईबीपीएस पीओ मेंस रहेगा, आरआरबी पीओ मेंस रहेगा और क्लर्क मेंस जितने भी आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे इस पूरी सीरीज को कम्प्लीट करने के बाद। और ये बता दूँ, ये पूरी सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे। दिस सीरीज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगी। जिन्हें डाउट था, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे लास्ट वीडियो में, बता दूं हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगी। और हमें आपसे क्या चाहिए, हमें बस आपसे आपका फीडबैक चाहिए कि सीरीज आपको कैसी लगी, क्या क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है, सेशन को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, दिस गिव्स अस मोटिवेशन एंड वी कैन ओनली कंटिन्यू ऑन दिस, वी कैन ओनली कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप लोगों का फीडबैक मिलता रहा, समझ रहे हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहा है। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। आज हम क्या सीखेंगे, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डीआई फॉर्म में वो पूछता है तो आपको इसे कैसे डिकोड करना है। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिसलिनियस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे में आप जाके देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको कैसे अप्रोच करना है। ये जितनी भी बातें हैं आप देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखो जी, ये इंग्लिश में, ये आपका हिंदी में हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी वाले को। टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू ड्राइव अ कार फॉर 5 days ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ओके, फॉर सम डिस्टेंस पी ड्राइव एंड फॉर सम डिस्टेंस क्यू ड्राइव। द चार्ट बिलो शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू फॉर 5 different कॉन्जिक्यूटिव डेज। डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। ठीक है भाई, 5 दिन है, सबका डिस्टेंस दे रखा है और डिस्टेंस आपका किस में सर, किलोमीटर में, याद रखिएगा। ठीक है, रेशियो अब इसमें क्या दिया है, द टेबल चार्ट बिलो शोज द रेशियो ऑफ टाइम दे टुक। रेशियो दिया रखा है, यानी पी का टाइम कितना होगा 4x और क्यू का कितना होगा 5x, जो भी है रेशियो है ना, वाइल ड्राइविंग द कार ईच डे एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ईच डे। एवरेज स्पीड कितनी है सर, 70 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा सबसे पहले। ऑन विच डे पी ड्रॉप द कार एट मैक्सिमम स्पीड। चलिए, सबसे तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक दिन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे डी आई पे। सर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, सही है, स्पीड बराबर क्या, बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस। डे वन की मैं बात करूँ, पी और क्यू का रेशियो कितना है सर डे वन का, 4:5, यानी 4x मान लो इसे और इसे मान लो 5x। क्या इतना क्लियर है? और डे वन आपका इधर है, ये वाला है गिवन, तो डे वन का सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा वही 200 और 180, 380 माइनस 2 कितना हो गया सर 378 अपॉन टोटल टाइम की जगह मैं क्या रखूंगा 9x, इन दोनों को प्लस कर दिया। और एवरेज स्पीड बराबर कितनी है इन दोनों के सामने बताएं, 70, इधर रख दो 70, 9 से कैंसिल करके देखो 4 36, 2 80, अब x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या होगा सर 42/70, 7 से कैंसिल कर दो 6 टाइम्स, यानी कितनी वैल्यू आ गई x की 0.6। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इधर p का टाइम कितना होगा, p का टाइम सर, p का टाइम था 4x, बताएं क्लियर है 4x, और x की वैल्यू कितनी आई है 0.6, तो 4 × 0.6 कितना हो जाएगा सर 2.4 आवर्स, क्लियर। इसी तरीके से आप q का टाइम निकाल सकते हो सर, वो कितना है 5x, which will give you 5 × 0.6, which will give you 3 hours. I hope clear है इतना, इतना clear है। अब जब आपने p का time निकाल लिया, q का time निकाल लिया, तो यहाँ से आप p की speed नहीं निकाल सकते, बताएं। p की speed बराबर क्या होगा? p का distance कितना है सर 180, और p का time अभी मैंने निकाला है 2.4, ठीक है 12 से काट देते हैं, एक जीरो और बढ़ा दिया हमने, पॉइंट 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 से क्या 150 टाइम्स, यानी कि 5 P की स्पीड आ गई सर 75। इसी तरीके से Q की स्पीड निकाल लो, Q की स्पीड बराबर कितनी आ जाएगी बताएं 198, Q का डिस्टेंस सही है ना, और Q का टाइम कितना आया था सर अभी इधर 3 आवर्स, अपॉन में 3 कर दो कितना आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर Q की स्पीड। तो ये सब चीजें आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैंने एक नई स्लाइड इधर क्रिएट कर दी है, आपके सामने ही मैं टेबल क्रिएट करूंगा पूरी, ठीक है, जिससे आपको पता चले कितना टाइम लगना चाहिए, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो वो हो गया सर, देखो सर पी का टाइम, ये हो गया पी की स्पीड,
योगिक क्यू का टाइम और योगिक क्यू की स्पीड। हर एक दिन के लिए आपको निकालना है डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, बताए ठीक है ना। अब पी का टाइम कितना आया था, ये डे वन के लिए तो मैंने कैलकुलेट कितना आया था 2.4, पी की स्पीड आई थी 75 किलो। बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका आवर्स में टाइम और स्पीड है आपका किलोमीटर पर आवर, ये सब याद रखना है सेम इसके लिए। तो इधर कितना आया था 3 आवर्स, और इधर कितनी आई थी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। तो डे वन आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम डे टू की, 3 और 4 कितना हुआ सर 7x, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों का भाई 532, और एवरेज स्पीड बाय आवर कितनी है 76। तो 7 से मैं कैंसिल करके देखता हूँ, 7 जब 49, 6 जब 42, यानी एक्स की वैल्यू सर इधर से कितनी आ गई 1, यानी स्पीड इधर टाइम कितना हो गया पी का 3 आवर्स और क्यू का टाइम कितना हो गया 4 आवर्स, बताए क्लियर है इतना। तो यानी अब आप स्पीड भी निकाल सकते हो भाई, डिस्टेंस कितना है अगर पी का 300 अपॉन 3 करोगे, यानी पी की स्पीड आई 100 बताए, और क्यू की स्पीड कितनी आई 232 अपॉन 4, यानी 4 5 से 20, 4 8 से 32 ठीक है। इसी तरीके से डे थ्री के लिए कैलकुलेट करोगे, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए डे थ्री का देखते हैं, डे थ्री के लिए अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम कितना है सर 2x, 20 प्लस 3 12 कितना होगा 6 32, ये तो कर सकते हो इजी, इक्वल्स टू, ये बढ़िया है ना, क्लियर इतना। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 से 3 जा 6, 1 जा 2 6 जा 12, यानी एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी बताएं 316 अपॉन 98.75। तो 7 से कैंसिल करके देखता हूँ मैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज भी करना होगा आपको इसमें, 7 1 जा 7 ठीक है, 4 जा 28 1, इसे मैं 70 मान लिया मैंने। इधर देखते हैं 4 जा 28 36, यानी इसे 5 मान लो, तो 7 5 जा 35, 45 बाय 14 मान लो इसे, 0.1 इग्नोर कर देता हूँ, तो कितना आएगा 14 3 जा 42, 0.30, यानी 14 2 जा 28, यानी 3.2 आ गई वैल्यू। इधर रेशियो था 1:1, यानी टाइम हो गया था आपका 3.2 आवर्स, इधर कितना हो गया 3.2 आवर्स, बताओ कितना टाइम लगा था, क्लियर है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखते हैं इंडिविजुअल स्पीड कितनी है इसकी, तो हो जाएगी सर क्यू की स्पीड कितनी होगी, देखो 320 अपॉन 3.2, ये तो इजी है, आप कर लोगे 100 आ जाएगी इधर से सीधा सीधा, क्यू की स्पीड आ गई सर 100। अब 312 को डिवाइड करना है आपको किससे, 3.2 से, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, 8 से कैंसिल कर दूं क्या, 8 से कैंसिल करके देखते हैं, तो 8 से गया आपका 3 टाइम्स 24, 72, 8 9 से 72, और इधर गया 0 मैंने पहले कर दिया था 4 जा 32, और 4 से कैंसिल करते हैं 4 9 जा 36, और ये आपका गया 30, यानी 4 7 जा 28.5। भाई कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन को कैसे सही करोगे, तो कैलकुलेशन के लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है 4 चीजें, जिन्हें नहीं पता बस एक बार समझ लो, टेबल्स आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, प्लस स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए कहाँ तक 35, क्यूब्स याद होने चाहिए कम से कम 15 तक, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो मेरी वैदिक के नाम से, मैंने रिलीज कर रखी है वैदिक ट्रिक्स के नाम से यूट्यूब पे ठीक है, तो ये सब चीजें देख लेना, इतना क्लियर है ठीक है। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ, फिर डे फोर की बात करते हैं जल्दी से। चलिए अब आगे बात करते हैं डे फोर की, डे फोर के लिए देखते हैं सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो 300 प्लस 260, यानी 560 अपॉन टोटल टाइम होगा 4x, पी का हुआ 4 आवर्स बताएं, क्यू का कितना हुआ सर 3 आवर्स ठीक है। अब स्पीड निकालनी है, तो भाई पी का डिस्टेंस कितना है, पी का डिस्टेंस करोगे 3 से, यानी आंसर कितना आएगा 100 बताइए, इतना क्लियर है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं डे फाइव की, ठीक है ना, डे फाइव की बात करते हैं, डे फाइव में टोटल डिस्टेंस कितना है 540 प्लस 480, भाई 500 प्लस 500 कितना होता है 1000, और कितना एक्स्ट्रा है मेरा भाई 20 एक्स्ट्रा, यानी टोटल हो गया 1020 अपॉन टोटल टाइम कितना है 2x प्लस 3x 5x, बराबर कितना होगा ये 68, क्योंकि 0 5 4 20, और इससे मैं कैंसिल कर दूँ 17 4 जा 28, सॉरी 17 4 जा 68, 17 1 जा 7 2 जा 34, यानी यहाँ से आ गई एक्स की वैल्यू 3, बताए क्लियर, एक्स की वैल्यू आ गई सर 3। तो अब देखते हैं भाई इधर कितना हो गया 2x और इधर कितना है 3x, तो यानी पी का टाइम कितना हो गया
और इधर कितना है, 3 3 9, यानी क्यू का टाइम कितना हो गया, 9 आवर्स, बताएं इतना क्लियर है भाई। इंटू 3 करोगे ना, 3 2 6 और 3 3 9, अब आप आगे स्पीड निकाल ही सकते हो, इसे इरेज कर देता हूँ। इधर आ गया था 6, इधर आप देख लेते हैं सर भाई, पी का डिस्टेंस कितना, अगर मैं आपसे बात करूंगा 480 को डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आएगा, आपकी स्पीड कितनी आएगी, 6 8 जा 48, बताए क्लियर है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है क्यू का, 5 540 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा, 60, 9 6 54, बताए क्लियर है। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट है, बताए टेबल आपकी कंप्लीट है कि नहीं, बिल्कुल है, कर सकते हो। पी को टोटल टाइम कितना, ठीक है, तो ये सब चीजें तो टोटल टाइम देख सकते हो, लेकिन वो सब चीजें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या पूछा था, ऑन विच डे पी ड्रोव द कार एट मैक्सिमम स्पीड, तो ये तो आप बता ही सकते हो, ये इरेज कैसे हो गया भाई, तो लिख देता हूँ मैं, इधर कितना आया था 6, इधर कितना आया था 9, 6 से गया था 80 टाइम्स और 9 से गया था 60 टाइम्स, तो पी की स्पीड मैक्सिमम, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बताए क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ क्यू ड्रोव द कार इन द एंटायर जर्नी, क्योंकि एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो भाई एवरेज स्पीड होना चाहिए क्यू का, अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आप सबका प्लस कर लो क्यू का, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आप प्लस कर लो इधर 540, 320, 232 और 198, बताए क्लियर कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 7 3 10 19, कितना हो गया आपका 5 3 8 3 11, 11 3 14 और 1 5 9 0, 10। अब टोटल टाइम कितना है, ये टोटल टाइम है, इसे सही कर लें, टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा देखें जरा, तो क्या हो रहा है, इधर कितना आया था, मुझे याद हो गई वैल्यूज, ठीक है, यानी 60, टोटल टाइम देख लेते हैं सर, प्लस करो 3 4 7, 3 10 19 और 322.2, क्यू का टाइम भी प्लस कर सकते हो, अभी देखेंगे आगे जरूरत है कि नहीं, ये कितना आया 22.22, क्यू का टोटल टाइम डिवाइड कर दो इसे 22.2 से, बताएं तो इसे आप कर सकते हो, 111, 2 से कैंसिल कर दो, 40, 9 18, 5 10 0, बताए इसमें इंटू 8 कर दू, समझ लो 777, यानी 7, ठीक है, तो यानी आपको इधर कितना मिलेगा 777 के बाद 190, 190 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज ऑप्शन डी दिल्ली, सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, बताए क्लियर, आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ वरना आपको लगता है स्पीड फास्ट हो रही है, ठीक है, यही स्पीड रखनी है, थोड़ा सा फास्ट रखना है अपने को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इफ ऑन डे 4, ठीक है, डे 4 की बात हो रही है, क्यू हैड रिड्यूस्ड बाय आर परसेंट विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ आवर्स ही ड्रोव द डिस्टेंस, देखो भाई क्यू ने अपना क्या क्या रिड्यूस करा है, स्पीड रिड्यूस करा है, टाइम आपका वो बोल रहा है कॉन्स्टेंट है, टाइम उसका क्या, यानी डेफिनेटली डिस्टेंस में भी उसे क्या करना होगा, डिस्टेंस आपको उसे डिक्रीज करना होगा, द डिस्टेंस कार वॉज ड्राइविंग बाय बोथ ऑफ देम वर इक्वल, अब डे 4 का देख लो सर डिफरेंस है, क्यू ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करा है, यानी 40 का, ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ डे 4 के लिए, डे 4 के लिए डेटा हमारा क्या था, जरा देखें पीछे से, डे 4 के लिए एक्स वैल्यू आई थी 1, ओके, स्पीड कितनी थी क्यू की 4 और 3, ठीक है, यानी स्पीड कितनी थी क्यू की, इधर 4 थी पी की और क्यू की थी 3, क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, याद रखना, तो देखो जी क्यू की न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू क्यू की न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अब आपका दोनों का इक्वल है, यानी डिस्टेंस अब उसका क्या नया 260 और स्पीड कितनी है 3, ये क्या हो गई क्यू की न्यू स्पीड, ठीक है ना। अब उसने कितना डिक्रीमेंट करा है, पहले स्पीड कितनी थी सर, ओरिजिनल स्पीड कितनी है क्यू की 300/3, 100 थी ना, तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं, इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 40/3 इंटू 100 करना है, मतलब ये परसेंट में आपको करना है,
परसेंट में 40/3 का दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 40/3 यही तो आपको बताना है, आर परसेंट। आप कहोगे कि सर इंटू 100 क्यों नहीं कर रहे? देखो जी इंटू 100 मैं करूंगा ना, ये ऑलरेडी परसेंट में दिया है, तो होगा क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इग्नोर कर दिया था। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कितना आएगा? 3 1 3 3 3 9, 13.33, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए बात समझ में आ गई? क्योंकि आर परसेंट में दिया हुआ ना, तो केवल आपको आर की वैल्यू बतानी है, परसेंट का साइन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 13.33। जल्दी से देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच स्पीड शुड क्यू इंक्रीज ऑन डे 5 की बात कर रहा है। इधर एक्स की वैल्यू सर कितनी आई थी? 3 मुझे याद है, आप देख सकते हो 2x, यानी कितना हो जाएगा इधर 2x, 6 और इधर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऑन डे 5 ही शुड कवर डिस्टेंस 25% मोर देन पी। पी का डिस्टेंस कितना है? अगर मैं आपसे बात करूं 480 का 25% के लिए 20 आ गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई? 480 प्लस करोगे उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है टोटल? 600। ठीक है, अब क्यू को अपनी स्पीड कितना इंक्रीज करनी है? हाउ मच स्पीड डज अ क्यू इंक्रीज? क्यू की स्पीड है कितनी सर? 6। यहाँ से स्पीड कितनी आई? एक मिनट को जाओ, क्यू की स्पीड कितनी थी? अच्छा क्यू का पहले हम स्पीड देख लेते हैं। इधर कितनी था? 960, 540 डिवाइड बाय 9, 60, और इधर मैं डिवाइड करूंगा 9 से ना, तो कितना आएगा? 200 बाय 3 से डिवाइड कर दिया पहले मैंने, तो कितना आएगा? 3 6 18 3 6 18 6 7। इधर स्पीड कितनी थी? 60, और इधर स्पीड कितनी आई? 66.67। तो Q को अपनी स्पीड कितना इंक्रीज करना होगा? Q को अपनी स्पीड में कितना इंक्रीज करना होगा? 6.67 का, 6.67 का, यानी ऑप्शन सी। अब इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, परसेंट में निकालने लग जाते हैं, 6.67 अपॉन ओरिजिनल स्पीड इनटू 100। तो पहले पूछ देख तो लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आपसे परसेंटेज फॉर्म में पूछा है या केवल डिफरेंस पूछा है दोनों की स्पीड में। भाई क्यू की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्यू। एक बार मैंने समझ में नहीं आया, दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्यू एंड दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 6.67 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अनदर ड्राइवर नेम क्यू, अनदर ड्राइवर नेम ए कैन ड्राइव द कार एट 120 किलोमीटर पर आवर वेन एवर ही ड्राइव्स, यानी इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है 120 से। वॉट लेस टाइम less time the entire journey would have taken if A dropped the car instead of Q for all 5 days and A had to drive the same distance that Q had to drive। यानी देखो सर, Q का total time कितना आया है? देखो Q की तो speed different है, Q की जो हर एक दिन अलग अलग है, Q की speed constant तो नहीं है, तो आपको Q का time निकालना पड़ेगा। Q का total time कितना आया था पीछे से? 22.22। क्या इतनी बात clear है? अब इसी तरीके से अगर मैं अब पूछूंगा क्यू का की तो बात हो गई, अब मैं बात करूंगा ए का टोटल टाइम कितना आएगा। भाई टोटल है कितना? जितना क्यू ने कवर करा है, तो क्यू का टोटल टाइम कितना है? 1590। अभी मैंने प्लस करा था है ना लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए मुझे याद है। डिवाइड कर दू 120 से। अब मैंने 120 से इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि ये ए की कॉन्स्टेंट स्पीड है, बताए तो इसे कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 12 1 12 39 12 3 36 30, यानी 2 5। 13.25 माइनस करोगे 22.2, कितना आएगा? देखो 22.20 माइनस कर दो इधर 13.25। मैं आपको बताऊंगा इसमें कन्वर्जन कैसे करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्वर्जन करना नहीं आता, वो लोग ध्यान से समझना। देखो 5 गया यहाँ पे, कितना आया? 9। इधर कितना आ जाएगा आपका? 8. अब 8.95 तो ये पॉइंट्स में है, आवर्स है किसमें? आंसर आवर्स में। अब आपको चेंज करना है, तो देखो चेंज कैसे करोगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ पहले। देखो चेंज करने का तरीका बताता हूँ, 8 + 0.95 आवर्स लिख सकता हूँ मैं इसे कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, यानी क्या लिखूंगा? 8 आवर्स, और इधर कितना होगा? 0.95 को मैं 95/100 लिख देता हूँ, इंटू 60 कर देता हूँ। क्यों? अब ये मेरा मिनट्स में चेंज हो गया, बताए क्लियर है? ये कितना हुआ? 19, और ये 5 से गया 20 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, यानी 19 3 57 मिनट्स, यानी आंसर कितना होगा? 8 आवर्स 57 मिनट्स। बताओ कितना इजी है, और मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ना हो जाता है कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। आपको क्या करना है, सीखना है, कंटिन्यूअसली सीखते रहना है। बताइए क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ईजी था। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है पूरा क्वेश्चन, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए। अब आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है मेंसुरेशन से, ये वर्ड प्रॉब्लम है मेंसुरेशन से। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डी ए सी इज अ क्वार्टर सर्कल। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28, यानी ये 28 है सब कुछ ना, लिख दिया है मैंने, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड येलो एरिया। देखो जी, अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 28 स्क्वायर विच इज 7, ये तो आपको याद होगा। अब मैं बात करता हूँ येलो एरिया, येलो एरिया आपका कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था इस क्वेश्चन में। तो देखो ये आपका एक क्वार्टर सर्कल है, बताएं ये आपका क्या है, क्वार्टर सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा, 1/4 कर दो इसका। येलो एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 इंटू, और रेडियस कितनी होगी इसकी, देखो ये रेडियस है जो कि स्क्वायर की साइड है, इंटू 28 इंटू 28, 7 4 28, 28 से 28 कैंसिल, 28 इंटू 22 कर लो, 28 इंटू 2 कितना आएगा, 56, 5 कैरी, 28 इंटू 2 56 और 5 6 16, येलो एरिया है आपका 616, टोटल एरिया है आपका 784। तो रेड एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, जो भी है रेड और पिंक, क्या करोगे, 784 माइनस 616 बताएं तो कितना आ जाएगा सर, इधर से 168, ठीक है 168 हो गया इधर आपका पिंक एरिया, ये कितना हुआ सर 168, और येलो एरिया कितना है 616। अब पूछा क्या आपसे इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, का डिफरेंस पूछा है। ये मैं इसलिए आपको आराम आराम से बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, इसे आंसर मार्क कर देंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 616 में से क्या माइनस करना है, 168, कितना आएगा 8, 448 इज द करेक्ट आंसर, बताएं क्लियर है, 448 विच इज सी ऑप्शन। बताएं आपको कैसे लगी क्वेश्चंस की क्वालिटी, क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आज मैंने स्पीड स्लो रखी है, ठीक है, आज मैंने स्पीड स्लो रखी है। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आप लोगों को अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है, याद रखिएगा, कमेंट जरूर करना है। इसका एम है 500 प्लस लाइक्स। दिस इज, ये पहली बात मैं बता दूं, ये सीरीज पूरी फ्री रहेगी और ये कंटिन्यू तभी होगी रेगुलर बेसिस पे अगर हमें आपका फीडबैक मिलता रहेगा। वी वॉन्ट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है, वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस, ठीक है। मैक्सिमम चैनल्स या जो भी बाकी कोई इसे फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस क्वालिटी के क्वेश्चन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, दिस इज ओनली टू गेट मोटिवेटेड सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि रोज इसके सेशन आते रहे, ठीक है। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू गाइस।